नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज था मार्च सीरीज का पहला दिन और ट्रेडर्स के मन में उम्मीद क्या थी कि भैया पहला ट्रेडिंग सेशन है और बहुत पिटाई ऑलरेडी फरवरी सीरीज में हमने जाते जाते देख ली है। बाजार हल्के हो गए हैं तो हो सकता है तेज शुरुआत हो। एसजेड 50 बताया था कि तेज खुलेंगे, 80 बॉन्ड्स के गैप अप के साथ खुल गए, लेकिन ये एक धोखा था। ऊपरी स्तरों पर आ गई तगड़ी मुनाफा वसूली और आज मार्च सीरीज के पहले ही दिन बाजार पे फिर से मंदी करने वाले हावी होते हुए नजर आए। 200 दिनों की औसत के नीचे बाजार आज के सत्र में बंद हुआ। इनफैक्ट पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार आया है। अब यहां पर ब्रॉडर मार्केट्स पे अगर ये लेवल दोबारा से रिकॉन्कर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि दबाव यहां से और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। आज के दिन ओपन तो 80 पॉइंट्स के गैप अप के साथ कर दिया था 17591 के स्तर पर, हाई लगाया है 17599 का, लेकिन टिक नहीं पाए और वहीं से ही आगे मुनाफा वसूली 17421, ये आज के दिन का लो है और 2023 का सबसे खराब क्लोजिंग लेवल निफ्टी ने दिखाया है 17465 का। 45 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज गिरे हैं, लेकिन ऊपर से गिरोगे तो दबाव ज्यादा दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 92 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बंद हुआ है 39909 के लेवल पे और सेंसेक्स 141 अंक हल्का हो गया। एडवांस डिक्लाइंस 26 शेयर्स निफ्टी के हरियाली दिखा रहे थे, 24 शेयर्स लाल निशान में थे, लेकिन कन्विक्शन की बहुत कमी थी। जो चढ़ रहा था वो था ONGC, निफ्टी का टॉप गेनर, आज 2.5% से ज्यादा की चाल थी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 1.5% चढ़ा है, एशियन पेंट्स 1% चढ़ा है, डेविस लैब्स और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में तेजी की तरफ आज रुझान ज्यादा था। जो गिरावट था उसमें ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस सबसे कमजोर कड़ी है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और आज भी अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 5-5.5% के आसपास टूटा है। इसके अलावा हिंडालको 4.5% नीचे बंद हुआ है। आज मेटल्स का तो बिल्कुल ही हालत टाइट थी, हिंडालको टॉप लूजर लगभग 4.5% टूटा, जीएसडब्ल्यू स्टील 2.5% टूटा, टाटा स्टील 2% टूटा। इसके अलावा ऑटोज में M&M एक स्टॉक था जो 2.5% नीचे हुआ है बंद। FNO गेनर्स में आपको गेल दिखाई देगा, इसमें लगभग 5.5% की तेजी बनी। GNFC जाते जाते एकदम से तेज हो गया, 5% की चढ़ाई चढ़ गया और वर्लपूल डिक्सन जैसे स्टॉक्स 4% उछलते हुए नजर आए। आरती इंडस्ट्रीज भी 3% उछला, लेकिन लूजर्स में आपको हिंडालको ही दिखाई देगा, इसमें आज इतनी तकलीफ थी। इंडेक्स का टॉप लूजर था निफ्टी का और 5% के आसपास का गोता लगा हुआ था। अदानी इंटरप्राइजेस कमजोर, नालको, NMDC, JSPL, मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली है क्योंकि इंडेक्स ही 3% के आसपास हल्का हुआ है आज के सत्र में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बाजार खुलते ही ट्रैक हो रहे थे और आज के सत्र में भी झटका लग गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आए एक महीना पूरा हो गया, 24 जनवरी से ट्रैक कर रहे हैं, आज 24 फरवरी है, तो ऊपरी स्तरों पर दबाव। अदानी एंटरप्राइजेस शुरुआती सत्र में ही ढेर क्लोज टू क्लोज 5% टूटा है, अदानी पोर्ट्स 1.5% उछला, अंबुजा 2.25% उछला, ACC फ्लैट बंद हुआ, लेकिन बाकी के सब स्टॉक्स धड़ाम। अदानी विल्मर 2.25% नीचे, अदानी पार 5% का लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% का लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस दोनों ही 5-5% नीचे लोअर सर्किट, NDTV 4% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा दबाव तो आज मेटल्स झेल रहे थे, 3% तो इंडेक्स ही टूट गया। अदानी इंटरप्राइजेस भी इस इंडेक्स का हिस्सा है वैसे, लेकिन जो बाकी के मेन मेटल स्टॉक्स हैं उसमें हिंडालको निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा नालको 4.5% टूटा, APL अपोलो 3.5% टूटा, JSPL वेदांता, JSW स्टील 2.5% से 3.5% टूटे। ऑटोज का दिन खराब था, बॉश आज पिटा है 2.5%, M&M 2.5% नीचे बंद हुआ है, टाटा मोटर 1% टूटा है, TVS मोटर, आयशर मोटर, मारुति जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। PSU बैंक्स शुरुआत तो तेज थी लेकिन टिक नहीं पाए ऊपरी स्तरों पर, जैसे जैसे अदानी स्टॉक्स पिटने लगे वैसे वैसे ही PSU बैंक्स की भी सफाई हो गई और आज PSB लगभग 4.5% टूटा है, IOB 3% टूटता हुआ नजर आया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक 2% से 2.5% हल्के हुए, PNB 1.5% हल्का हुआ है। जो तेजी बन रही थी वो थे एनर्जी, ऑयल एंड गैस प्ले, यहां पर तेज बनी। एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तो आज गेल उछला है 5.5%, इसके अलावा ONGC 2.5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बाजार को बचाने का काम किया, लगभग 0.1% चढ़ा है। पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, आज पावर स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था, आधे फीसदी से लगभग 1% के आसपास की चाल। ऑयल एंड गैस प्ले में यही दिखेगा आपको, गेल, ONGC, रिलायंस, लेकिन GSPL एक और स्टॉक था जिसमें 3.5% का मूव बना। AGS केमिकल, IGL, पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। और एक स्टॉक सेक्टर था फार्मा, जिसमें आज के सत्र में शुरुआती रुझान तेज हो गया, कोई बहुत बड़े एक्शन तो नहीं बने लेकिन जो चढ़े उसमें था सनोफी, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 4%, बायोकॉन 3% ऊपर, बाकी सब 1% के आसपास, जैसे कि डेविस लैब्स, ग्लैक्सो, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रैन्यूल्स 1% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप्स में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है क्योंकि बाजार ही फिसल पट्टी है, बाजार में ही ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है, तो मिड कैप्स में अगर पैसा कमाना हो इस समय तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ओलेक्ट्रा एक ऐसा स्टॉक था जो आज 20% तेज हो गया, इसलिए क्योंकि रिलायंस के साथ इन्होंने हाइड्रोजन बस बनाने के लिए करार कर लिया और उसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था, तगड़ी चाल लोअर एंड से पलटा है, पिट रहा था पिछले दिनों से, आज निष्कर्षों से खरीदा गया। महिंद्रा CI 16% उछला है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सरप्राइज कर गया 12.5% चढ़ा है, स्पाइस जेट 12% ज्यादा चढ़ा,
पॉलिसी बाजार 10.5% चढ़ा है, इस हफ्ते बहुत जबरदस्त तेजी में था, लोअर लेवल से पलटा है स्टॉक। रिलायंस इंफ्रा 9.5% चढ़ा है, ग्लोबल स्पिरिट्स डिशमेंट कार्बोजन 6% से लगभग 9% चढ़े हैं, शीला फोम और जिंदल सौ 5% से 6% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार ने बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी पचा लिया है। अब बीते हफ्ते ये जो क्रेडिट पॉलिसी आई थी, एमपीसी पॉलिसी की बैठक के मिनट्स बचे, उसके अलावा एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स को बाजार ने बचाया, और लोअर लेवल से उम्मीद तो थी कि कुछ खरीदारी हो जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बाजार हर हायर लेवल पे इस समय पिट रहा है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट डेटा आना है, वो है जीडीपी के आंकड़े। भारत में जीडीपी के आंकड़े आएंगे 28 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन, वो बहुत क्रूशल होंगे, देखते हैं वो आंकड़ा कैसा आता है। और अगले हफ्ते ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। बाजार में इस समय नो डाउट मंदी करने वाले हावी हैं, और इतनी आसानी से तो पोजीशन छोड़ने वाले हैं नहीं। कॉल राइटर्स ऐसे जमकर बैठ गए हैं ना ऊपर, और ऊपर से मार्च सीरीज के पहले दिन उम्मीद थी कि तेजी पकड़ेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो अभी तो कॉल राइटर्स का जोर रहेगा। 2023 की सबसे खराब क्लोजिंग लेवल हमने बाजार पर दिखा दी है, 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज को तोड़ दिया है निफ्टी ने। हालांकि अभी सिंपल डे मूविंग एवरेज को हम मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। तो 200 दिनों की औसत के नीचे जाना ही अपने आप में एक अलर्ट है कि बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स पे हो सकता है कि दबाव बने। अभी बाजार में ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी पे 17,350 17,400 का एक बेस है, एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट गया तो समझो बाजार गया, और उसके बाद दिखवाली जो और हावी हो सकती है। ऊपर क्या करना है, ऊपर 17,600 17,650 के लेवल को रिकॉन्कर करना है, ताकि एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म एवरेज को हम पकड़ लें, सहारा मिल जाए बाजार को। अभी नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो मूवमेंट होगी उनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। फिलहाल पोजीशंस हल्की रखें पोर्टफोलियो बनाने के, और भी बेहतरीन मौके निकल के आएंगे। लेकिन आज ये समझ में आता है कि जिस तरीके से तनाव बना है पिछले 4-5 दिनों में, और ये एकदम से आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली हो गई है, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर होगा। अभी तो हम ट्रैक कर रहे हैं ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध का एक साल पूरा हुआ है, तो उसके बाद एकदम से इंटरनेशनल घटनाक्रम कुछ ऐसे से हुए हैं जिन्होंने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, और ऊपर से इंडियन मार्केट्स को वैसे ही रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स भी कोई बहुत जोश में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर भी ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जो आने वाले समय के लिए जारी रहेगा। तो कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं दिखता बाजार को जिससे ऐसा लगे कि एकदम से रनअवे रैली बनेगी। तो ये सेल ऑन राइज की मार्केट थोड़े समय तक रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कंसोलिडेट कर जाए तो वो और बेहतर, लेकिन हाँ अभी समय में आता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा तनाव है। तो ये पीरियड भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन प्लीज और प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको पोर्टफोलियो बनाने के और बेहतरीन मौके इंडियन मार्केट्स में मिलेंगे। फिलहाल मंदी करने वालों का जोर इंडियन मार्केट्स पे ज्यादा है।